13 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संगठन ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। वन पंचायत सरपंचों को मानदेय दिए जाने और वन पंचायतों के चुनाव एक साथ गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा कराए जाने को लेकर वन पंचायत सरपंच संगठन द्वारा उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। बुधवार को वन पंचायत संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में वन पंचायत देवाल थराली नारायणगढ़ के सरपंचों का एक शिष्टमंडल उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुआठा से मिला और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें वन पंचायत नियमावली अधिनियम से बाहर किए जाने, प्रदेश में एक व्यापक वन पंचायत अधिनियम बनाए जाने और वन उपज के वितरण का हस्तांतरण का अधिकार वन पंचायतों को दिए जाने सहित पूरे प्रदेश में वन पंचायत सरपंचों के चुनाव एक साथ कराए जाने और पंचायतों के निर्माण के साथ गाँव की आबादी का ध्यान रखा जाने व वन पंचायतों को नियमित रूप से बजट दिए जाने, वन पंचायतों के सरपंचों को एवं उनके चौकीदारों को नियमित रूप से मानदेय दिए जाने के संबंध में कई मांगों को लेकर के ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में सरपंच संगठन नारायणगढ़ के अध्यक्ष भगवती सती देवाल, अध्यक्ष गोविंद सोनी, सरपंच धनुली देवी, मंजू देवी, हरेंद्र सिंह बुटोला, राजेंद्र नेगी, नरेंद्र खत्री, महिपाल रावत, बलवीर सिंह आदि कई सरपंच उपस्थित थे। अपना एक ज्ञापन संयुक्त रूप से विकास सरपंच संगठन थराली सरपंच संगठन और देवाल सरपंच संगठन के अध्यक्ष गणों के द्वारा मान्य अपने जो अपने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय थराली है उनको एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारे 13 बिंदुओं पर अपनी मांग है वन पंचायतों को लेकर के, जिस प्रकार से वन पंचायतों को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैं अपने प्रधान सेवक मान्य नरेंद्र मोदी जी से, अपने मुख्य सेवक के रूप में मान्य मुख्यमंत्री पुष्करदेव धामी जी से, अपने वन मंत्री इस प्रदेश के सुबोध दुनिया जी से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि आप सरपंचों को पीड़ा को समझे। सरपंच एक चौकीदार बन मात्र इस संगठन का कार्य कर रहा है, जबकि सरपंच एक चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो मान्य गणों से, मान्य मुख्यमंत्री जी से, मान्य सुबोध दुनिया जी से और प्रशासन के जो प्रमुख वन संरक्षक इस उत्तराखंड सरकार में जो बैठते हैं, मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि हमें सरपंचों को आप नजरअंदाज मत करिएगा। सरपंच एक चौकीदार मात्र बन के रह गया है और सरपंच हमेशा से पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन का जो कार्य कर रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो मांगे हैं, हमने इनमें 13 मांगों का एक पत्र मान्य अपने जो अपने उप जिलाधिकारी महोदय उनके समक्ष पत्र प्रस्तुत किया है, आज का जो मांग पत्र है, और मांग पत्र जल्द शीघ्रता से मान्य मुख्यमंत्री के पटल पे जाए और हमारी मांगों पर इसमें गहनता से इस पे विचार करके सरपंचों के अधिकारों का हनन ना करके सरपंचों को साथ लेकर के वन पंचायतों को मजबूत बनाया जाए। 13 सूत्री मांग है, ये हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हम थराली नारायणगढ़ और देवाल के एक शिष्टमंडल माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने पहुंचा, और जो हमारी 13 सूत्री मांग है उसमें हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, जो हमारे जो पैतृक अधिकार है, जो हमारे वो संवैधानिक अधिकार हैं, वो चीज़ें आज धीरे धीरे खत्म हो रही। इस बाबत हम एक संयुक्त जो है मांग पत्र और के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं, और बाकी जो भी समस्याएं हैं इस मांग पत्र में लिखी हुई है, जिसमें 13 बिंदु शामिल हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो गाँव में सरपंच लोग हैं, हमारे सरपंच जो है वन पंचायतों को, जंगलों को बड़ी श्रद्धापूर्वक पाल रहे हैं। इतना पाल रहे हैं कि तुम्हारे जो है तो ये वन रिजर्व फॉरेस्ट भी इतना घना नहीं है जितना घना जो है हमारा वन पंचायत है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जनता के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित भी करते हैं सरपंच लोग, जिससे कि जनता में जागरूकता है, जंगल पले हैं, घने हैं। लेकिन अगर जनता के अधिकारों का, सरपंच का अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर जनता को एक छोटी भी चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए दौड़ भाग करना पड़ा तो बड़ा घुटन महसूस हो रहा है।
कि जनता को कम से कम, और ये भी है कि अगर सरपंचों से अधिकार छीना जा रहा है तो सरपंचों को चौकीदार बना दिया जाए, इनको तनख्वाह दे दी जाए, ताकि जंगल जो है।